फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सिला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 10 और 11 पीसी में विंडोज डिफेंडर दिस प्रोग्राम इज ब्लॉक्ड बाय रूट पॉलिसी एरर कोड 0x800704EC। इस एरर को कैसे फिक्स करते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, हम आज के वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए रजिस्टर एडिटर में जाना है, यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है HKEY लोकल मशीन पे। उसके बाद आपको डबल क्लिक करना है सॉफ्टवेयर्स पे। उसके बाद आपको डबल क्लिक करना है पॉलिसीज पे। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा विंडोज डिफेंडर, यहाँ पे भी आपको डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिफॉल्ट पर एड क्लिक करना है, मॉडिफाई में जाना है। यहाँ पे वैल्यू डाटा आपको जीरो टाइप करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, इस विंडो को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको अपना पीसी और लैपटॉप एक बार रजिस्टर करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक्सिला चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।